हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ आया हूं जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अब इसकी बात करें हम तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखिएगा, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डी यू जे एन यू के बाद कोई टॉप यूनिवर्सिटीज है तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में और एमएससी कोर्सेस, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। एमएससी कोर्सेज ध्यान रखना बायोलॉजी के अंदर। फिर यदि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है तो आपको स्वेट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोर्स की यदि हम बात करें तो फर्स्ट कोर्स आता है एमएससी। यदि आप एमएससी बायोसाइंस के साथ करना चाहते हैं, एमएससी इन बायोसाइंसेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, 32 सीट्स होती हैं। 32 सीट्स के साथ साथ ये कोर्स कोड जामिया मिलिया इस्लामिया से यदि आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर हर एक कोर्स का कोर्स कोड होता है, या फिर आप उसे बोल सकते हैं प्रोग्राम कोड, ठीक है। तो यदि आप एमएससी बायोसाइंस में करना चाहते हैं जिसका प्रोग्राम कोड है M29, राइट, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है 32 सीट्स और इसकी फी है 7800 पर ईयर ओनली। ध्यान रखिएगा 7800, ठीक है, रुपीस पर ईयर। इतने कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फीस उतनी ही होती है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक आती है, तो यहाँ पर इतना ही फी है। ध्यान रखिएगा एमएससी आपको पता है 4 सेमेस्टर होते हैं, तो वही है, ड्यूरेशन कितना होंगे, 4 सेमेस्टर 2 ईयर। वही हम बात करें अगला, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। यदि आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम कोड जामिया मिलिया इस्लामिया में कौन सा होता है, M75। ड्यूरेशन कोर्स का वही एमएससी कोर्स का 4 सेमेस्टर होता है। नंबर ऑफ सीट्स अगेन यहाँ पर 32 है, ठीक है, और यहाँ पर फी बात करें तो ये 52,400 पर ईयर फी है, राइट, और एक ईयर में 2 सेमेस्टर होगी तो 2 सेमेस्टर की फीस होती है 52,400। ये फी आप पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली भी डिवाइड कर पे कर सकते हैं, सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं तो 2 बार आप इसे पे कर सकते हैं हाफ ऑफ करके, ठीक है, और ओवरऑल टोटल 52,400 रुपीस फी है। अब इन दोनों कोर्सेज में एक कोर्सेज जो बायोसाइंस का उसकी इतनी कम और इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है, ठीक है। अब ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस्ड का कोर्स का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल करेगा वो स्टूडेंट खुद ही फी को पे करेगा। अब बात होगी कि यहाँ पर कौन पे कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर कई अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके कारण इस कोर्स की फ़ी कम हो गई है, और यहाँ पर कम्प्लीटली फ़ी 52,400 रुपीज़ है जो कि एक सेल्फ फाइनेंस्ड है। मतलब यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में कुछ पेमेंट कम हो जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ स्कॉलरशिप दे देते हैं उस कोर्स के लिए, स्पेसिफिक कोर्स के लिए, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। इस वजह से इस कोर्स को बोला जाता है सेल्फ फाइनेंस्ड, मतलब आपको कम्प्लीटली आप ही को पेमेंट करना होगा 52,400 रुपीज़ का, ठीक है। इसकी फीस उससे पहले वाले इस कोर्स की फी भी और भी ज़्यादा होगी, बट आपको पे कितनी करनी है, सिर्फ 7,800 पर ईयर, राइट। अब हम बात करेंगे यदि आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री के साथ करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगेन 32 होती है, ठीक है। इस प्रोग्राम का कोड क्या है, M30, और सेमेस्टर होते हैं यहाँ पर 4 ऑब्वियसली, और इसकी भी फी कितनी है, 52,400 रुपीस पर ईयर। अब ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स ये भी है एमएससी बायोकेमिस्ट्री का। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी सेल्फ फाइनेंस्ड है, बट एमएससी बायोसाइंस एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ये सेल्फ फाइनेंस्ड नहीं है। यहाँ पर फी सिर्फ 7,800 रुपीस पर ईयर है। इसका कोर्स कोड है M31। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 42 है, जिसमें से 10 जो सीट्स होती हैं, इसमें से 10 सीट्स आपको गैटबी के थ्रू मिलेगी, ठीक है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी की जो एग्जाम होती है उसके थ्रू एडमिशन लेकर आप 10 सीट्स इसमें से उसके थ्रू रिजर्व होती है, ध्यान रखिएगा। अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने बताई है, किसी में 32 सीट्स हैं तो किसी में 42 सीट्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इन सीट्स में भी रिजर्वेशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। मुस्लिम्स के अलग रिजर्वेशन होंगे, माइनॉरिटी मतलब अलग रिजर्वेशन होते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चार ही एमएससी कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रही है आपको, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी हम बात करें बायोसाइंसेज में, और एमएससी बायोकेमिस्ट्री में। ये चार कोर्सेज आप देख सकते हो, ठीक है, एमएससी बायोसाइंस, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। हर एक के अंदर सीट्स मैंने आपको बता दी है, फीस 7,800 बायोसाइंस के लिए, और यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 52,400 रुपीज फी है, ठीक है। तो ये तो हमारे होगी बात जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्सेज ऑफर्ड, ठीक है। फी स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है इसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था गाइस, ध्यान रखिए। अब इस जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर यदि आप एमएससी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको स्वेट पीजी के एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम। अब जो ये एग्जाम होती है गाइस, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने भर से ना इसको अच्छे मार्क्स का आपको क्वालिफाई करनी होगी, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स डेडिकेटेड स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हैं, जो कि लाइफ साइंस स्वेट पीजी, लाइफ साइंस स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी, स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री, स्वेट पीजी बोटनी और स्वेट पीजी जूलॉजी और स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए आता है, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि आप टेस्ट सीरीज, किसी भी कोर्स की टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज जो हमारी है वो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आती है ऑलरेडी। यदि आप अलग से सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो 1999 में हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हर एक कोर्स के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बाकी सारी अपडेट्स के लिए एमएससी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस, ऐसे कंप्लीट इन्फो के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com पर जा सकते हैं, या फिर आप IFS का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आप हमारा रिजल्ट हमारी वेबसाइट से या फिर आप हमारे ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं हर एग्जाम के लिए। उसी के साथ साथ यदि अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप, इट इज अवेलेबल फॉर iOS एंड Android डिवाइसेस बोथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं जो वीडियो लेकर आता हूँ एक सॉर्टेड मैनर में, ताकि आपको यहाँ पर हमें तीन ही चीज़ें जाननी थी, एक था नंबर ऑफ कोर्सेज क्या क्या ऑफर करता है जामिया मिलिया इस्लामिया, नंबर ऑफ सीट्स कितनी ऑफर करता है, और यहाँ पर एमएससी किन किन कोर्सेज में होती है और उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, उन तीनों के बारे में हमने जान लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉर मोर अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।